आज ये क्या, तूने शराब पी रखी है और शराब पी करके तू मंदिर में आ गया। चल निकल यहां से, निकल यहां से। अरे कुछ तो शर्म कर, बेशर्म कहीं का। अरे जब भगवान हो के इनको शर्म नहीं है पुजारी जी, मैं तो इंसान हूं। अरे इनकी बनाई हुई दुनिया सतयुग से कलयुग में चली गई। जिधर देखो भ्रष्टाचार, अन्याय, मासूमों के साथ अत्याचार हो रहा है, और ये तो बस खड़े खड़े हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। अरे ये चाहे तो हर सताए हुए को इंसाफ मिल सकता है जैसे मुझे, लेकिन नहीं। अरे भगवान ने ये पत्थर है। चुप कर नास्तिक कहीं का, कम से कम भगवान के प्रकोप से तो डर। अरे ये मेरे प्रकोप से डरे, मैं इनसे नहीं डरने वाला, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हिसाब ये नहीं, मैं लूंगा यानी बप्पन राव शिवलकर। कि मेरे हिसाब क्यों ऐसा हुआ, क्या किया था मैं, मेरी जिंदगी। इसके तो बिना मेरी गालियां खाए तो इसका खाना नहीं ऐसा होगा। पवन अरे रुक तो सही, अपनी बात तो सुन। ये मोहिते काय तरी कर रहे, ये रोक उनको, नहीं तो बैंड बच जाएगा अपना। बैंड बढ़ा दे पैसा, दो की जगह 7 करोड़ देने को तैयार है मैं, 7 का 10 करोड़ देने को तैयार है मैं। काय तरी कर रहे मोहिते, आओ सगले ट्राई के लिए शिंदे साहब। अभी तो बस इसकी तो ये बेवड़ा फिर आया। चाय ला मेरे भी बच्चों को मारा ना, तू भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ड्राइवर गाड़ी रोक, आज इस शराबी की खैर नहीं, रोज की ये नौटंकी है साले की। ड्राइवर गाड़ी चला देगा। केशव अगर हर भौंकते हुए कुत्ते के लिए गाड़ी रोकेंगे तो हम जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचेंगे। भाऊ ये आदमी आपको रोज मारने की धमकियां देता है, मुझे तो डर ही लगता है भाऊ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, प्यक्कड़ है साला प्यक्कड़। और वैसे भी तेरे भाऊ की जिंदगी में इससे भी बड़े बड़े मसले हैं जो हल करने, समझ गए? आगे से राइट लेना। साला अंधेर नगरी चौपट राजा। छोड़ो ना तुम लोग चिल्लर पार्टी। मेरा सारा पैसा लेके भाग गया, सारा का सारा गल्ला। अब मैं क्या खाऊंगा और क्या खिलाऊंगा अपने परिवार वालों को? ये तो नहीं था, भगवान को बेच रहा था ना तू, उसने तेरे को बेच डाला। उसकी नाक के नीचे तू बिक गया, लुट गया रे। और वो देख मस्त पोज मार के बैठेला है। दोस्त इस पत्थर दिल भगवान पे भरोसा करना छोड़, ये ले। भगवान पे नहीं इंसान पे भरोसा करना से बड़ा आया भगवान। सुन रहे हैं प्रभु, अब तो ये आपके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है, आपके विरुद्ध प्रचार भी करने लगा, अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु इसके लिए। छोड़ दो मुझे, कशला आन ले जिंदे मला, ए कोणाई दे ए माला सोड़ ना।
क्या रे सुनंदा, क्या बोलती है कि दारू छोड़ दो? दारू छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे तुम दोनों के बिना? मैं बोलता था कि हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा, भगवान किशन का हाथ, लेकिन उसने हाथ उठा लिया, खींच लिए तुम दोनों को। जब परिवार छीनना ही था, तुम जीवन दिया क्यों उसने? जब नौकरी छीननी ही तो दे क्यों थी? और जब घुट घुट के मरना है तो मुझे जीवन क्यों दिया? या तो तुम मुझे ऊपर बुला ले, नहीं तो मैं आता हूं। तू आता है या मैं आऊं? रुक जाओ बाबा। कौन है? मैं हूं। तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। आश्चर्य है, दिन भर मुझे कोसते रहते हो और अब मुझे पहचानते भी नहीं। करसनदास नाटक कंपनी। बॉस दो गली छोड़ के हैं, जाओ। जानता हूं, करसनदास का महाभारत देखा है मैंने बपन। शोध में कुछ कमी है उन लोगों की, परंतु इसमें उनका भी क्या दोष? आज तक देखा ही नहीं किसी ने मुझे। तुम असली के भगवान हो? विश्वास हुआ या कोई दूसरा चमत्कार दिखाऊं? तुम अब तुम किस लिए आए? मेरी जिंदगी नरक बना दी, अब क्या लेने आए? तुम्हारी किस्मत बदलने, बिगड़ी का सुधार करने। जब मैं तुम इंसानों को इतने अवसर देता हूं, तो क्या तुम मुझे एक अवसर प्रदान नहीं करोगे? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं कुछ सोच रहा हूं केशव। क्या भाव? यही कि आज जो मेरी ये हालत है, ये सब मेरी गुनाहों की वजह से है। बहुत ज्यादा पाप किए हैं मैंने और अब इसका सुधार करना बहुत जरूरी है। पर मैं कुछ समझा नहीं भाव। केशव, पता नहीं क्यों सुबह से ही उस शराबी हवलदार के बारे में सोच रहा हूं। आज उसकी जो हालत है ना, वो मेरी वजह से है। एक काम करके शो, उसे मेरे पास लेकर आओ। पर भाव मैं आपको कह रहा हूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उस पागल को बुलाकर। पता नहीं क्यों केशव, अंदर से आवाज आ रही है कि अपना प्रायश्चित इस शराबी हवलदार से ही करूं। प्रभु चाय पियोगे? हाँ पियो, परंतु
शक्कर थोड़ा कम। पहला भगवान को भी डायबिटीज का टेंशन। सेहत का ध्यान रखना गलत बात है क्या बब्बन? वैसे सुरंदा ने सही कहा था, कबाड़ खाना बना के रखा है तुमने इस घर को। सुनंदा बोली, और क्या बोली भगवान? यही कि उसे ऐसा लगता था कि तुम बहुत बहादुर हो, हर मुश्किल का सामना डट के करोगे, हर कष्ट से लड़ सकते हो तुम, परंतु तुमने तो इस मदिरा के आगे अपने घुटने टेक दिए। ओ भगवान, वीआईपी इनक्लोजर में बैठकर कमेंट्री देना बहुत आसान है, यहाँ नीचे धूप में मैच खेलना पड़े तो मालूम पड़े। नीचे आओ कभी। इसीलिए तो आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे एक बार फिर से खड़ा कर दूंगा। कैसे? धीरज रखो, अब पहले एक कप चाय तो पिलाओ। ये लो। भगवान, भगवान कहाँ हो? चले गए। गेस्ट अपीयरेंस। मैं पीता है। देखो बबन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। एक काम करो, तुम आज रात को 9 बजे मेरे बंगले पे आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। ये लो मेरा कार्ड। ये क्या था? मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम फिर से? ये जो तुम्हारे हाथ में है वो एक नया जीवन दान है, इसे कभी जाने मत देना। ए, मेले के दिल में मेरे लिए दया? कहीं बंगले पे बुला के मेरे को टपका डालने का प्लान तो नहीं है? मैंने बहुत उसकी गाड़ी के कांच तोड़े। घबराओ मत, मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ। तुम पंडित जी, बबन किसके साथ बात कर रहे? आज से तुम मुझे अपना शुभचिंतक ही नहीं बल्कि अपना अंगरक्षक भी समझो। हाँ, इतनी आसानी से मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत हिसाब किताब करना है मेरे को आपसे। अवश्य। मूर्तियाँ ले लो, भगवान की मूर्तियाँ ले लो। ओ भाई, अरे क्या नकली भगवान को बेचता है? देख मेरे पास असली का भगवान। किधर? अरे ये देखना। किधर गए? ये आदत नहीं छोड़ोगे तुम? अरे भगवान, ये दारू नहीं, ये तो मदिरा है। इंद्रलोक में देवता भी इसका सेवन करते हैं। सॉलिड। अब चलें एमएलए के घर। हाँ। ओ भाई, पनवेल ले ले। पनवेल वेल में नहीं जाना है, इतना रात को कौन जाएगा उधर? अरे भगवान, भगवान को ना बोलता है।
भगवान भस्म कर दो इसकी टैक्सी। कौन भगवान? अरे आग के अंदे तेरे को दिखता नहीं भगवान, असली के भगवान। भगवान तुम बैठो आराम से। अरे क्या कर रहे? अरे हो क्या रहा है? एसी वैसे चालू ना, क्या ना भगवान को एसी की आदत है। कौन है पीछे? अरे जो आगे कृष्णा भगवान, आप बटुआ तो लाए नहीं होगे? वो तो भूल गया हूँ मैं। बंदा नहीं मैं भरेगा। चल ले ले पकड़। शिंदे साहब 12 करोड़ में भी नहीं मान रहे। कह रहे पपन वो शिंदे साहब। ओ ये ना आप प्रभु, आप रहने दो, आपको ऐसे ही चलेगा। आइए भगवान है साथ में ओरिजिनल। चल ये अरे बब्बन कैसा इस ऋतु? मैं ठीक है सर। बस भगवान को साथ लाया हूं आपसे मिलाने। हाथ मिलाइए ना। नमस्ते झाला आता बस ना। बब्बन बब्बन आप एमएलए साहब के बराबर में बैठो, आप भगवान हैं, कहीं बैठ सकते हैं। कहीं बस ना। काय रे बब्बन जास्त घेतली काय? देख अभी पॉइंट पे आता है, तेरा पुलिस का नौकरी मेरी वजह से गया। आपकी वजह से मेरे बीवी बच्चे भी मर गए। बब्बन तुम्हें गलतफहमी, अब मैं चाहकर भी तुम्हारे बीवी बच्चों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ तेरी पुलिस की नौकरी वापस दिलवा सकता हूँ। अरे मेरी आज ही कमिश्नर साहब से बात हुई है और उन्होंने मंजूरी दे दी है, बशर्ते ये सगड़ दारू बीरू बंद कर। क्या मैं वापस ड्यूटी पे मैं वर्दी पहन सकूंगा मतलब? और यही नहीं, मैंने तो दादर पुलिस क्वार्टर्स में तेरे लिए बहुत अच्छा घर देखा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं अभी तक फ्लैट का प्लान दिखा दू। रुक देख। अरे बब्बन मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया बब्बन, अब सुधार भी मैं ही करूंगा। प्रभु सुधार ये सब आप कर रहे हो ना? नहीं बब्बन ये हम नहीं कर रहे हैं, सुनंदा हमसे करवा रही है। अब तुम्हें ये शराब ये मदिरा छोड़नी ही होगी। मेरी वर्दी मिल जाएगी, मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, फिर से नौकरी। कह रहे बबन खुश है ना? चाय पिएगा? हाँ दो चाय, एक भगवान के लिए भी बिना शक्कर के। क्या है ना कि भगवान भी आजकल हेल्थ कॉन्शियस है। ठीक है दो चाय लेकर आता है। आप प्रभु अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। भगवान 10 मिनट हो गए अभी तक शिंदे वापस नहीं, मैं देख के। बब्बन तुम नहीं हम जाकर देखते हैं। ये दूसरी चाय कम शक्कर की। भगवान की चाय उबाल रखता हूँ।
वो तीसरी चाय शिंदे साहब के कमरे में दे दो। साहब गर्मा गर्म चाय। पुजारी जी, ये तो वही बब्बन शिवलकर है जो 2 साल पहले गोलचौकी थाने में हवलदार था। जी हाँ सर, आप इसे जानते हैं? जानता नहीं हूँ, लेकिन 2 साल पहले केस जीतने के बाद मैं अदालत से बाहर निकल रहा था तब। केडी साहब, मैं बब्बन शिवलकर, आपने उस नामदेव को छुड़ाया, मैं ही उसको लॉकअप से लेके अदालत आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आपको खाली हाथ वापस आना। हाँ, पर खाली दिमाग नहीं, आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। वैसे तो पुलिस वाले आपको बहुत कोसते हैं कि वो जो भी कैदियों को पकड़ते हैं आप उन्हें छुड़वा देते हैं, पर साहब वो समझते नहीं कि कानून और पुलिस के इंसाफ से बढ़कर भी ऊपर वाले का इंसाफ होता है, और वो हमेशा सच का साथ देता है जैसे आपका देता है। ये लीजिए। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ हमेशा ईश्वर रहता है, बस उस पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। धन्यवाद, मैं हमेशा अपने साथ रहूंगा। जैन साहब। जैन, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हो गया उसे, उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है? 1.5 साल पहले बबन की बीबी उसके बेटे को स्कूल से लेकर के घर आ रही थी, इतने में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को कुचल दिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वो गाड़ी हमारे ही इलाके की एमएलए सिंधे की थी। बबन और मौके पे मौजूद लोगों ने यही कहा कि वो गाड़ी मिस्टर शिंदे ही चला रहे थे। मिस्टर शिंदे ने अपने पैसे और पहुंच के बल पर अपने ड्राइवर को आगे कर दिया कि उनकी गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था, और उन्होंने ये साबित भी करवा दिया और छूट गए, पर बबन उसने उन्हें नहीं छोड़ा। साला मेरे भी बच्चों को मारकर 16 साल की नींद बेकार, जो कानून तुझे सजा नहीं दे सका आज मैं तुझे मार के दूंगा। कमिश्नर दत्ता, शिंदे बोल तो है, तेरा डिपार्टमेंट का एक हवलदार मेरे को मारने आया, अब तुझे पता इसका तू क्या करेगा। और इसके बाद ये मिले शिंदे की सिफारिश पर बबन को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। बेचारे की वर्दी उतर गई, इस अत्याचार से तंग आ करके उसने शराब का सहारा ले लिया और खूब शराब पीने लगा। बाकी बचा हुआ जीवन उसने अपने हाथों से बर्बाद कर डाला। उसके साथ तो सिर्फ बुरा ही हुआ है केडी साहब, सिर्फ बुरा ही हुआ है। में जेल भिजवाकर यही सुधार किया तुमने मेरे जीवन का? धैर्य रखो बब्बन, सब ठीक हो जाएगा। कब? मेरे मरने के बाद? वाह, तुमने फिर वही किया,
जो करते रहे हो, तमाशा देखते रहे। परंतु बब्बन, अभी भी कुछ कुछ बिगड़ा नहीं है। तो कौन ठीक करेगा, तुम या तुम्हारा कोई अवतार? केडी साहब, किससे बात कर रहे हो तुम? उसी से जिसने मुझे यहाँ पहुंचाया है, भगवान कृष्ण। अरे कहाँ, मुझे फंसा के फिर से गायब हो गए। योर ऑनर, 19 सितंबर की रात एमएलए रामनिक शिंदे ने बब्बन राव शिवलकर को अपने फार्म हाउस में बुलाया, पनवेल वाले फार्म हाउस में बुलाया, और हेतु बहुत ही साफ था। इरादा सिर्फ इतना था कि बब्बन राव की जो गुस्ताखियां थी, जो गलतियां थी, जो गाली गलौज कर रहा था रास्ते में, पत्थर मार के गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था, सब कुछ भूल कर इनको एक नई नौकरी दे, एक नया जीवन दे। लेकिन नहीं, बब्बन राव तो जीवन दान लेने नहीं गए थे, जीवन लेने गए थे, बदला लेने गए थे एमएलए से, योर ऑनर। क्योंकि वो आज भी एमएलए को ही अपनी बीवी और बच्चे की मौत का कारण समझते हैं। और ऐसा नहीं योर ऑनर कि इन्होंने इंपल्सिवली ये खून किया, वहां जाने के बाद भी प्लानिंग तो की उन्होंने। जैसे ही एमएलए साहब अंदर अपने कमरे में गए, बब्बन राव ने उनके पीए मोहिते को बाहर भेज दिया चाय लेने के बहाने, और फिर शिंदे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने बोला था ना कि मैं ही तुझे मारूंगा। अरे बब्बन, योर ऑनर, ये यही वो गमला है जिससे वार किया और बबन ने वार किया और एमएलए की मौत हो गई। पाठक साहब, यूं ही नहीं कह रहा, उंगलियों के निशान है योर ऑनर, इस गमले पे बबन राव के उंगलियों के निशान है, और ये झोला है और ये रुपए हैं खून से सने हुए, जो बबन राव ने चुरा कर इस झोले में थैले में डाले थे, और इन दोनों पे, इन तीनों पे उंगलियों के निशान है। अब इससे ज्यादा मैं क्या सबूत पेश करूं, आप बताइए। ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ये निशान कहां से आए? रुपयों को तो मैंने छुआ तक नहीं, और यस साहब, मैं कमरे में भी नहीं गया, मैं तो भगवान के साथ हॉल में बैठा था। भगवान, एक मिनट, योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन को ये नए पात्र के बारे में पता ही नहीं था, एक नया पात्र भी है इस केस में, भगवान। भगवान कौन है, भगवान कौन है? एक मिनट, मोहिता जी, आपका पहला नाम भगवान है? नहीं, कोई है यहाँ पे जिसका नाम भगवान नहीं है? कोई नहीं है भगवान? अरे भगवान श्री कृष्ण, वो गीता महाभारत वाले। मुरली मनोहर, माखन चोर किशन कन्हैया। भगवान कसम साहब, आई शपथ, मुझे भगवान दिखते हैं, और उन्होंने ही कहा था कि सब कुछ ठीक कर देंगे, इसलिए वो मेरे साथ एमएलए के बंगले आए थे। और यही नहीं, जब शिंदे साहब अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो भगवान कृष्ण उनको देखने गए थे। आप चाहो तो उन्हीं से पूछ लो। उन्हीं से कि नहीं, शिंदे साहब से, वो तो मर चुके। अच्छा, भगवान से योर ऑनर, मिस्टर बबन शिवलकर, आप ठीक तो हैं? भगवान कृष्ण, केडी, ये है तुम्हारा डिफेंस। बबन, ये क्या कह रहे हैं अदालत में? हो सकता है उस रात तुम्हें कोई भ्रम हुआ। भ्रम नहीं साहब, जीते जागते मुझे दिखे थे, जैसे कि आप खड़े हो असली में। असली में क्या हुआ था योर ऑनर, मैं आपको बताता हूँ। विराजी पाठक सर, बताता हूँ योर ऑनर, ये मेडिकल रिपोर्ट है, बब्बन की उस रात की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें साफ लिखा है योर ऑनर कि जब एमएलए के फार्म हाउस पे पहुंचे साहब, तब नशे में धुत थे। हाँ साहब, मैंने इसे पनवेल के उसी फार्म हाउस तक अपने टैक्सी पे छोड़ा था, पता नहीं पीछे के सीट पर किससे बात कर रहा था, मगर पीछे के सीट में कोई था ही नहीं। मेरे को ये आदमी पागल जैसा लगता है साहब। हाँ सर, फार्म हाउस के गेट पे किसी से हवा में बातें कर रहा था, हमने सोचा कि नशे में है, बड़ा अजीब आदमी है साहब। ओ, दो कप चाय मंगवाई थी इसने, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए, वो भी बिना शक्कर की।
योर ऑनर, भगवान को भी डायबिटीज होता है क्या? है ना, अभी शिंदे साहब ने मेरे को बोला था इसलिए मैं इसको अटेंड कर रहा था, पर ऐसे वेड़े मानूस को अपने पास खड़ा भी नहीं रखता हूँ मैं। और एक बात बोलूँ, अकेला आया था ये, कोई नहीं था इसके साथ। कोई नहीं था ना वहाँ पे? कोई भी नहीं था। थैंक यू। क्या कहना है आपका बबन राव जी, हैं? खुद नशे में होश खो दिए और दोष भगवान को दे रहे हो। होता है, नशे में ऐसा होता है, नशे में इंसान को भगवान तो क्या शैतान भी दिखते हैं, कई पतियों को पत्नियां दिखती है। मैं तो नशा नहीं करता फिर भी मुझे हमेशा पाठक साहब दिखते हैं, अदालत के भगवान जो हैं। खैर छोड़िए, कौन सी घटिया ब्रांड की शराब पीते हैं आप? मैं मानता हूँ कि मैं नशे में था, पर इतना भी नहीं कि इतना भी नशे में नहीं थे कि अपना इंतकाम भूल जाऊं, वो गमला, पैसे, वो खून। साहब मेरे को किसी ने फंसाया है, मैं किसी का मर्डर कर ही नहीं सकता, और भगवान श्री कृष्ण गए थे कमरे में, मैं नहीं। ओ, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि जिस कमरे में एमएलए का खून हुआ उस कमरे में तुम नहीं भगवान गए थे, यानी कि वार भगवान ने किया, खूनी तुम नहीं हो, खूनी भगवान है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मेरे और भगवान के अलावा वहां कोई नहीं था, और मुझे पता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, तो फिर और बचा कौन? भाटक साहब, लगता है इनका नशा अब तक उतरा नहीं है, लेकिन मेरा अगला गवाह जो है इनका नशा जरूर उतार देगा। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जिसकी गवाही सुनते ही इनका बचा कुचा नशा भी उतर जाएगा। एमएलए साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड अक्रम, परमिशन ग्रांटेड। हाँ साहब, फॉर्म हाउस के पीछे हमारा स्टाफ रूम है, मैं वहीं जा रहा था। बेडरूम की खिड़की में मैंने एमएलए शिंदे साहब को देखा और इस आदमी को भी। मुझे लगा कि आपस में बात कर रहे हैं और मैं निकल गया। अगर मुझे पता होता कि 10 सेकंड बाद ये हादसा होने वाला है तो मैं इसकी वहीं गर्दन दबा देता। लेकिन अकरम जी, बबन जी का तो ये कहना है कि वो उस कमरे में थे ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, आपका क्या कहना है? झूठ बोल रहे हैं, यही आदमी था और अभी ये होश में नहीं है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। बबन राव, क्या कहना है आपका? अब भी आप यही कहेंगे कि आपने एमएलए शिंदे को नहीं मारा, किसी चीज को छुआ तक नहीं, यहाँ तक कि उस कमरे में भी नहीं गए आप जहाँ पे एमएलए जी की लाश मिली? गया था, लेकिन उनके मरने के बाद। उनके मरने के बाद अगर आप गए थे बबन राव, तो एमएलए की लाश की मुट्ठी में से आपके शर्ट का बटन कैसे मिला? ये शर्ट का बटन, केडी साहब मुझे कुछ नहीं पता, ये शर्ट का बटन ये तो एक बुरा चमत्कार जैसा है। पाठक साहब, इनका ये कहना है कि खून भगवान ने किया और फिर चमत्कार से आपको फंसाने के लिए एमएलए साहब की लाश की मुट्ठी में बटन रख दिया। क्या बात है पाठक सर, आमतौर पर तो आप अपने मुवक्किल को बचाने के लिए यूं उछल के खड़े हो जाते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, आज क्यों चुपचाप बैठे हैं? तबीयत ठीक नहीं है। योर ऑनर, जयसवाल साहब ठीक कह रहे हैं, मैं बचाव पक्ष वकील हूं तो स्पष्ट है कि अपने मुवक्किल का पक्ष लूंगा, आज भी लेता हूं, लेकिन अगर मेरा मुवक्किल ये कहे कि भगवान ने हत्या की है, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मैं अपने मुवक्किल से बात करने के लिए और इस केस की और छानबीन करने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूं। परमिशन ग्रांटेड। सर, उसकी उंगलियों के निशान उस गमले पर, उन नोटों पर, और ऊपर से उस बॉडीगार्ड की गवाही भी। यू नो व्हाट सर, आई थिंक ये बबन एक दिमागी मरीज है, ही इज क्रैक्ड। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। भगवान को साथ लेकर आया था, कम ऑन सर, ऐसा केस तो आज तक नहीं हुआ। वरुण, ये मान सकते हैं कि बबन को भ्रम हुआ, लेकिन एमएलए शिंदे की हत्या हुई, एमएलए शिंदे का मृत शरीर, ये भ्रम नहीं है, वास्तविकता है, किसी ने तो मारा है उसे। हाँ पर केडी, पेपर में तो बहुत खराब खराब लिखा है शिंदे के बारे में,
अरे कि वो बहुत करप्ट आदमी था और एक लैंड स्कैम में 200 करोड़ का घपला किया था। लेकिन अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, मामले की छानबीन चल रही है। वो बोलते हैं ना कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो भगवान खुद आके पापियों का डी एंड करते हैं। क्या कहना चाह रही है आप? कैमले शिंदे को भगवान श्री कृष्ण ने मारा है? वरुण, कैमले शिंदे का पता है तेरे पास? हाँ सर। तो उसके पते पर जाओ और पता लगा कि मामला क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी का सूत्रधार भगवान नहीं, कोई शैतान है। मैं तैयार हूं, पर मुझे करना क्या होगा? ठीक है, मैं तैयार हूं, पर मुझे मारना मत, प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज प्लीज। हाय शिवाली, हाउ आर यू? ईमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना तुम्हें। एक काम करो, अपना ईमेल अकाउंट खोलो, हाँ, फिर वहाँ ऑप्शंस मेनू में जाओ, वहाँ तुम्हें पासवर्ड का आइकॉन दिखेगा। मिला? ग्रेट, अब वहाँ जाकर तुम अपना पासवर्ड चेंज कर लो। ओके, बाय, आई लव यू। हाय जावे। हाँ वरुण, बबन यहाँ बैठा था, शिंदे साहब अंदर कमरे में थे और मोहिते चाय लेने के लिए बाहर गया था। जब मोहिते बाहर गया तो बबन यहाँ पे अकेला। हाँ शिपाली बोलो। अरे पासवर्ड का आइकॉन वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तुम्हारे मेरे लेफ्ट नहीं, उस कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ्ट। ओके बाय, सॉरी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि बब्बन यहाँ पे अकेला था जब मोहिते चाय लेने के लिए बाहर गया, तो बब्बन शिंदे साहब से मिलने के लिए अंदर गया कमरे में। दवे, एमएलए शिंदे का पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, हत्या का हथियार वही गमला है और आज सुबह ही गमला। हाँ शिपाली बोलो, तुम्हारा पुराना पासवर्ड क्या है, मुझे कैसे पता? शिफाली तुम्हारा ईमेल अकाउंट है, तुम भूल गए तो मैं क्या करूं? शिफाली एक काम करो, वहां पर फॉरगॉट पासवर्ड का आइकॉन है, उस पर जाओ। हाँ बाय। पासवर्ड क्या है? मैं कह रहा था कि आज सुबह ही पुलिस क्लियरेंस मिलने के बाद शिंदे साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तभी आई श्योर? हत्या गमले से हुई है और कोई औजार नहीं? नो अदर वेपन? यस श्योर। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इस खिड़की से अंदर आया और उसने एमएलए शिंदे को मारकर यहीं से बाहर चला गया। मगर खिड़की के बाहर तो कोई नहीं था। लेकिन तुम थे ना, तुमने ही कहा था बाहर से तुमने एमएलए शिंदे को बबन राव के साथ देखा था। हाँ मैंने देखा, मगर मैं खिड़की से अंदर थोड़ी आया। दवे, मेरा अंदाजा सही निकला, किसी आदमी के जूतों के निशान। मतलब या तो बाहर से कोई अंदर आया या फिर अंदर से बाहर गया। वरुण ये जूतों के निशान हो सकता है कि हत्या के दिन से पहले क्यों? हाँ लेकिन नहीं भी हो सकते। अब एक काम करते हैं, गार्डन में चलते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। चल। आओ
ढूंढ रहे हो? भगवान? हाँ, भगवान को। एक तो नास्तिक, ऊपर से शराबी, दोष दे रहा है भगवान को। हम भी हफ्ते में 3 दिन पूजा करते हैं भगवान की, हमें तो नहीं दिखते भगवान। शांत भाव। तेरा कहना है कि कोई उस खिड़की से अंदर आया, एमएलए शिंदे की हत्या की और उसी खिड़की से बाहर भाग गया। जी सर, पर साहब को याद है अदालत में बबन ने ये कहा था कि उसके साथ कृष्ण भगवान आए थे और उस कमरे में पहले वो गए थे, उसके बाद गायब हुए थे। क्या कहना चाहता है तू कि कृष्ण भगवान ने हत्या की और खिड़की से कूद कर भाग गए? अब नहीं सर, ऐसा नहीं है। मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर सब ये क्या है सर? सही है, मुझे खिड़की के बाहर मिले। ओह गॉड, यस, ओह माय गॉड। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.